नमस्कार, स्वागत है आपका धोबी घाट पर। मैं अशोक पानखड़े, फिलहाल खबर के पीछे की खबर। खबर यह है, केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि आवेदनकर्ताओं की भीड़ रोजगार का पैमाना इस देश में हो नहीं सकता। उन्होंने अपने संबोधन में आगे कहा कि सरकारी नौकरियों के लिए जब जरूरत से ज्यादा यानी कई गुना लोग आवेदन करते हैं तो इसे देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी नहीं मानना चाहिए। उनके अनुसार सरकारी नौकरी में सुरक्षा का एक भाव है, उसके चलते हर बेरोजगार सरकारी नौकरी पाना चाहता है। यही कारण है कि जब भी सरकार में नौकरियां निकलती है तो आवेदनकर्ता कई गुना ज्यादा दिखाई देते हैं, और इसका मतलब अक्सर ये निकाला जाता है कि देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। उन्होंने इस बात का दावा किया कि पिछले 5 साल में केंद्र सरकार ने कई नौकरियों का निर्माण किया है और कई बेरोजगारों को नौकरियां मिली हैं। खबर के पीछे की खबर यह है, पीयूष गोयल को शायद देश की विभिन्न एजेंसियों का सर्वे रिपोर्ट पता नहीं। शायद ही कोई सर्वे रिपोर्ट हो सरकारी, गैर सरकारी और निजी क्षेत्र में कि जहां नौकरियां कम हो रही है और बेरोजगारी बढ़ रही है ये बात नहीं होती हो। नोटबंदी के चलते जब उद्योग बंद हो गए तो जो लोग बेरोजगार हो गए उनके वजह से भी बेरोजगारियों का आंकड़ा बढ़ गया है। यदि इस देश में एक सरकारी प्यून की जगह के लिए बीटेक और पीएचडी हुए लोग अप्लाई करते हैं तो फिर उसे क्या सिर्फ सुरक्षा का भाव माना जाए, या गिरता हुआ शिक्षा का स्तर माना जाए, या फिर इस देश में बेरोजगारी बढ़ रही है ये मानी जाए? इस बात का उत्तर पीयूष गोयल को देना होगा। कुल मिलाकर केंद्र सरकार का जो वादा था कि हर साल 5 करोड़ लोगों को नौकरियां दी जाएगी, वह कहीं भी यथार्थ पे उतरते नजर नहीं आता। इसलिए सरकारी नौकरियों में जरूरत से ज्यादा आवेदन आना यह बेरोजगारी बढ़ने का द्योतक नहीं है, ऐसा मानने वाले शुतुरमुर्ग की तरह अपनी गर्दन रेत में छुपाए हुए हैं। यह खबर के पीछे की खबर, देखते रहिए धोबी घाट।